हाजिर, एक दफ़ा फिर हम आपको इस प्रोग्राम काविश में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारा ये मौजू जो है अदालती निज़ाम और जो है जो वहाँ पे मीडिया का किरदार है पाकिस्तान में, उसके हवाले से गुफ्तगू जारी है। और इस प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले जनाब अली अहमद कुर साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और लाइव कॉलर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं मुसलसल। और हम इसमें सबसे एक बहुत ही अहम खबर देना चाहेंगे, एक ख़ास खसूसी मैसेज जो हमें पास हुआ है जनाब काजी खालिद, जनाब काजी खालिद साहब की तरफ से, जो कि वाइस चांसलर हैं पहली पाकिस्तान की, पहली लॉ यूनिवर्सिटी जिसका नाम है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जो कि पाकिस्तान में कराची में कायम हुई है। और ये बहुत खुश आइन बात है इस हवाले से भी कि पाकिस्तान में, ज़ाहिर है जैसे हम पूरे इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते रहे, गुफ्तगू इसी हवाले से जारी रही कि किस तरह से निज़ाम बदले, अदालती निज़ाम किस तरह से बेहतर हो, लेकिन ये एक खुशी की खबर है और एक अच्छी न्यूज़ है हम तमाम यहाँ पे रहने वालों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, कि अब जो आने वाले वकील, आने वाले जो लोग होंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे और बेहतर और काबिल लोग होंगे। और एक इसी तरह का, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से ये खेप निकलेगी, ये लोग पढ़ जो पढ़ के वहाँ से फारिग तहसील होंगे, उसके जो जो प्रिंसिपल हैं वो साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके, वजीर तालीम भी थे, और हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने पहले काविश में शिरकत फरमाई थी और उसमें भी उन्होंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। और खसूसी पैगाम आज हमें उन्हें उनकी तरफ से आया है, तो हम उसको चाहेंगे कि हम अपने देखने वाले सुनने वालों को शेयर करें। तो हम देखते हैं वो पैगाम जो उन्होंने वहाँ से हमें भेजा है। इमरान नकवी साहब, मैं हिदायत टीवी के डायरेक्टर्स का और आपका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि आपके तवस्सुस से यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लाखों करोड़ों नाजरीन का भी मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी वतन से मोहब्बत नाकाबिले तस्खीर है। आपके एहसासात और जज्बात और पाकिस्तान के लिए आपकी सपोर्ट बहुत अहमियत रखती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है। और मैं यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने मुल्क में बाज़ोकात ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से परेशान ना हों, बल्कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेकाम, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आप अपना भरपूर किरदार अदा करते रहें। आपके हिदायत चैनल्स पे आज हमारे आने का भी मकसद यही था कि हम आपसे अपील करें कि आप शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की तामीर व तरक्की में जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हों वो ज़रूर किरदार अदा करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, पुरअमन लोग हैं, दहशतगर्द नहीं हैं। कौमी और बैनुल अक्वामी उसूलों के ऊपर, जाब्तों पर रहते हुए वो अपने निज़ाम हयात को इस्तेवार कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो आज आने का मकसद, वो पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना है। आपको ये बताना था कि पाकिस्तान में तमाम तर हालात वाक़यात के बावजूद तरक्याती काम भी हो रहे हैं, तामीर भी हो रही है, और शोबे कानून में पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है। आप लोग मुल्क की सालमियत के लिए, इस्तेकाम के लिए जिस तरह जद्दोजहद करते हैं, उसी तरह आप करते रहें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान के क़याम में लाखों मुसलमानों का लहू शामिल है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार है, और वो अपने मुल्क के ऊपर अपने खून का आखिरी कतरा तक निछावर करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और ये पैगाम जो है हमें जनाब काजी खालिद अली साहब, जो वाइस चांसलर हैं, पहली लॉ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कराची में कायम हुई जिसका नाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है,
और इसमें से जैसे काजी खालिद साहब की बहुत खिदमात हैं, बहुत ज़्यादा काम उन्होंने दिन रात वहाँ किया, और जो जैसे कि मैंने कहा कि सूबाई वजीर वजीर तालीम भी रह चुके हैं, और बड़ी उनके जब वो वजीर तालीम थे तो वहाँ के उस वक्त को भी हम देखें तो उन्होंने बहुत तालीम के लिए काम किया, और अब जो है बहुत अहम जगह पे वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। तो मैं जनाब कामिल खान साहब आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो मतलब हम इतनी जो देर से ये हमारी पूरे इस प्रोग्राम की गुफ्तगू जो है वो अदालती निज़ाम के हवाले से रहे, और जो है पहली यूनिवर्सिटी जो है जैसे कि काजी खालिद साहब पुरअज़्म दिखाई दिए अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप इसको आप किस तरह से देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के कायम को? देखिए इमरान साहब, इंसाफ की बुनियादी फ्राहमी में जो बुनियादी जुज़ है वो है लीगल एजुकेशन। जी बिल्कुल और लीगल एजुकेशन के लिए ट्रस्टवर्दी कोई इंस्टीट्यूशंस, अब मैं समझता हूँ जैसा कि वाइस चांसलर डॉक्टर काजी खालिद अली साहब ने यूनिवर्सिटी के हवाले से बयान फरमाया, मैं समझता हूँ कि उसका आगाज़ सूबा सिंध से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की शक्ल में उसका हो चुका है, की बिल्कुल और ये शोबा कानून के लिए बड़ा अहम संगे मील साबित होगा, और ये यूनिवर्सिटी का काम गवर्नर सिंध डॉक्टर शहीदुल इबास जी और डॉक्टर काजी खालिद अली साहब की जी कोशिशों से पाया तकमील को पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल अब ये हमारा हम सबका हुकूमत का सबका ये फ़र्ज़ है आवाम का मिलकर कि इस इदारे को मजबूत करें, और इसके लिए मैं डॉक्टर काजी खालिद साहब की कोशिशों को आपके तवसुस चैनल की तवसुस से और अपने आवाम की तवसुस से और अपनी वकला बरादरी की तरफ से खराज तहसीन पेश बिल्कुल करता हूँ, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस यूनिवर्सिटी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता इलाही फरमाए। में इलाही में बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा हम जब ब्रेक पे गए थे तो एक फ़ोन आया, फ़ोन कॉल आई, और ये बात हम सब महसूस करते हैं और सब लोग जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं कि जब हम पुराने ड्रामे देखा करते थे या पुराने प्रोग्राम्स हम देखा करते थे, उसमें हम देखा ये करते थे कि एक मैसेज आता था और एक लोगों तक सही पैगाम पहुंचता था, लेकिन अब हम जब देखते हैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल वो खातून ने सही कहा कि हमारे पास अब इस तरह के तामीरी प्रोग्राम्स या तामीरी ड्रामे जो हैं वो नहीं हैं जो कौम की तामीर करते हैं, और ज़ाहिर ड्रामों का मकसद तो तामीर करना ही है, वो मैसेज पहुँचाना है, लेकिन हमें पाकिस्तान में अब दिखाई ग्लैमर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, किसी को भी बस आप ड्रामे ग्लैमर के तरफ दिखाई देते हैं लेकिन तामीर की तरफ दिखाई नहीं देते, इसकी क्या वजह? थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपने मुझे भी शामिल किया। बेसिकली बिकॉज आई हैव टू गेट बैक टू, बिकॉज कपल ऑफ कॉल्स लोगों ने कुछ कुछ और सवाल भी किए थे, शायद आप वो आपके जहन में नहीं है। वो एक जिशान साहब थे, ही आई थिंक ही आस्क अबाउट समथिंग अबाउट द चैरिटी कंपनीज, हाउ कैन वी लुक आफ्टर एंड हाउ कैन वी ट्रैक दिस चैरिटी कंपनीज इन इन पाकिस्तान एंड इन यूरोप इन और वट एवर प्लेसिस दे आर getting a money from there. So I personally think, Mr. Zeeshan, personally in UK, if someone is taking a money from you as a charity basis, you have a fully right to track them up. Like this is your own money, you have to track them up. You can ask the people where the money going. You show me the proof. आप बिल्कुल उनसे प्रूफ मांग सकते हैं, उनसे चीज़ें मांग सकते हैं, और यू हैव टू। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पैसा दे के और आपने छोड़ दिया है तो उसको उसको आप ट्रैक नहीं करेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, नहीं भाई अल्लाह के वास्ते दे दिया। इस तरीके से आप और चैरिटी कंपनियों को तो और हौसला दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में जिस तरह लोग भीख मांग रहे होते हैं तो आप कहते हो यार बस पैसा दे दो यार, ये तो वो एक 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 ऑर्गेनाइज क्राइम बन जाता है उसके बाद वो, और वो भी पाकिस्तान में होता है। इस तरीके से आपका दिस इज़ योर फुली राइट्स। और जहाँ तक बात है, बहुत अच्छी चैरिटियाँ कंपनियाँ यूके में काम कर रही हैं, मैं खुद बजाता जानता भी हूँ काफ़ी लोगों को जिनके अंदर बहुत ही नाइस लोग और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बट कहने का मकसद ये, दिस इज़ आवर ड्यूटी एज वेल, वी हैव टू, व्हेन वी आर गिविंग मनी वी हैव टू ट्रैक देम अप। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगर ये पाकिस्तान में भी प्रोग्राम माशाल्लाह से देखा जा रहा है और जी देखा जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मैसेज ये है चैरिटी कंपनियों के लिए कि अगर कोई आपके पास आके चैरिटी कंपनी के नाम से आपके घर के वहाँ पे कोई बैनर लगा रहा है और तस्वीरें खिंचवा रहा है खाली, तो प्लीज़ आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चैरिटी कंपनी के बारे में आप उसकी तस्वीर खींच के उनके वेबसाइट पे लगाइए, क्योंकि आजकल गूगल इतना आम हो गया कि हर चीज़ एक
वो हो गई कि कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि चैरिटी कंपनियां क्या करती हैं, वहां जाके जब सिर्फ बैनर लगा दिया, 5-10 बंदों को बिठा दिया और तस्वीरें खींच के दिखा दिया कि ये देखिए हमने पाकिस्तान में ये वर्क किया। आपका फ़र्ज़ भी ये बनता है कि अगर कोई इस तरह का माहौल देखें आप, उसको आप ट्रैक करें और उनको वेबसाइट पर डाल दें, कुछ नहीं करें, गूगल में डाल दीजिए, ताकि उस चैरिटी कंपनी का जब कोई गूगल करेगा तो उनको पता लग सकता है कि भाई ये तो ये फ्रॉड एंड फ्रॉड है कंपनी तो फलाना है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वो तामीरी प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, इस वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम हकीकत में है कि पाकिस्तान में प्रोग्राम सिर्फ बन रहे हैं रेटिंग के लिए बन रहे हैं, ऐसे सिर्फ रेटिंग के लिए बनते हैं, वहाँ पे प्रोग्राम तामीरी प्रोग्राम नहीं बनते, वहाँ पे लोगों की शख्सियत बनाने के लिए प्रोग्राम नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके के अंदर एक तामीरी और उसके लिहाज से उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब किया था जिसका नाम था थिंक, जो अभी तक चलता है कि आप अगर किसी 20 की स्पीड से जा रहे हो या 30 की स्पीड से जा रहे हो तो आपका उसका असरात क्या पड़ सकते हैं, किस तरह बंदा मर सकता है, किस तरह हो सकता है। थिंक को उन्होंने चलाया किस तरीके से कि फेमस लोगों को लिया, उनको बताया कि रोड क्रॉस करने का तरीका क्या है, क्या चीज़ है। ये चीज़ें हम लोगों को पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है ABCD की, बिल्कुल ऐसे जो बेसिक्स हैं हम लोगों को, आप इवन इस्लामिकली भी हम लोगों को इखलाकियात और इन चीज़ों की दर्द देना चाहिए, ना कि इतने बड़े बड़े इख्तलाफियात और हम लोग आपस में इख्तलाफी नोट और इन चीज़ों के ऊपर लगे होते हैं। भाई हम लोगों को ABCD सीखनी है, पहले तो हमारा इखलाक अच्छा करना चाहिए, चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। हम तो ABCD से तो हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग PhD के कोर्सेज के ऊपर हाथ लगा रहे हैं और फिर आपस में इख्तलाफात के ऊपर चीज़ों में चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे जो चैनल के मालकान हैं वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनकी रेटिंग नहीं आएगी, और जब रेटिंग नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो उनके प्रोग्राम नहीं चलेंगे। तो वो उनको तामीर और तरक्की से कोई लगाव नहीं है, उनको सिर्फ रेटिंग से है, और रेटिंग के हिसाब से जिस तरह करेंगे आप वो करते जाएंगे। पर ये है कि खुशायंद बात तो ये है कि आजकल सोशल मीडिया के अंदर इस तरीके से बहुत मैसेजेस बन रहे हैं, अगर जो मोहतरमा आई थी अगर वो देखना चाहें तो वो खुद भी देख सकती हैं कि इस तरह के ऐसे आवाम और लड़कों ने अपने छोटे छोटे वसाइल से, आईफोन से, ऐसे टॉपिक्स को रखा हुआ है जिससे आप देखने के बाद वाकई आपको महसूस होता है कि आवाम के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो बिगर स्केल है लाइक टेलीविजन और सब चीज़ें, उसके ऊपर ये चीज़ें नहीं है। पर आई एम वेरी ग्रेटफुल हिदायत TV का, स्पेशली इमरान साहब आपके काविश प्रोग्राम का, कि आप ऐसे इश्यूज़ को इतना टाइम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आप लोग एक तरीके से सदका जारिया का काम कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शऊर दे रहे हैं। ये अगर आप भी चाहते हैं तो, या आपका चैनल भी चाहता तो जी वो इस तरह के प्रोग्राम करें कि जिसके अंदर से पैसे मिल जाए, चीज़ें हो जाए, तो आप लोग तो इस सदका जारिया का काम कर रहे हैं। और ये काविश प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत अच्छा है, जिस तरह की कॉलें भी आ रही हैं कि हम लोगों को एक अच्छी पैगाम पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक जो है ना कामिल खान साहब, मैं जानना चाहूँगा इस हवाले से कि जो वहाँ पर संगीन जराइम लोग जो करते हैं, जो दहशतगर्द गिरफ्तार हो जाते हैं, एक तो उन पे केसेस का कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता है, और फिर मतलब एक अजीब हालात से पाकिस्तान के आवाम गुजर रही होती है कि वही दहशतगर्द कुछ दिन बाद आपको सामने खड़ा दिखाई दे रहा होता है। तो जान व माल का तहफ़ तो वहाँ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर से हम शुरू हुए थे, तो वो इस तरह के हालात हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए इमरान साहब, के जैसा कि आप क्या फरमाया कि मुलजिमान छूट जाते हैं, मुलजिमान का जो छूटना है इट इज़ टोटल फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन। बिल्कुल, जो सिचुएशन जैसा कि मैंने इसकी जुडिशरी में है जज साहिबान के साथ है, वो सेम सिचुएशन प्रोसिक्यूशन में प्रोसिक्यूटर्स के साथ है। प्रोसिक्यूटर्स की भी जो असामियाँ खाली हैं, जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अच्छा, लाइक पंजाब में जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, क्वांटम है, वो 1200 प्रोसिक्यूटर्स का है, जिसमें 700 अपॉइंट है, 500 वैकेंसी, 500 खाली, 500 सिंध में भी आई थिंक कोई 100-150 वैकेंसियाँ, मोर देन 100 वैकेंसीज खाली हैं। तो एक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन भी सेम वही है जो एक जज की पोजीशन है, जो जज साहब
वो उस प्रोसिक्यूटर को चार चार कोर्ट्स में भेजा जाएगा कि जी वो एक दिन में वहाँ भी चला ले, वहाँ भी ट्रायल कर ले, वहाँ भी चला ले, तो वो फिर ऐसे ही होगा कि वो इस तरह से होगा। दूसरा ये प्रोसिक्यूशन को जो मॉडर्न एजेस हैं में हम हैं तो आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे फैसिलिटेट किया जाए, बिल्कुल फॉरेंसिक लैब से लेकर और तमाम जो है इन्वेस्टिगेशन के शोबे को। एक और चीज़ उसमें जो बड़ा अहम बल्कि बैकबोन ऑफ द जस्टिस में आज उसका होता है रोल, विटनेस का। भाई विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का कुछ सुनते तो हैं, कहाँ चला गया, क्या है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप फुल्ली अमल दरामद होना चाहिए ताकि गवाह महफूज रहेगा तो केस अंजाम को पहुंचेगा, वरना वो अंजाम को मुल्जिम अंजाम को पहुंचेगा। तो वो है कि केस विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट का वो ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हों तो फिर ये बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है और इसको फुल फॉर होना चाहिए। फिर मैं अर्ज़ करूँगा, मैं तो वहाँ से जो कि लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे भाई कर दें फिल, क्या प्रॉब्लम है जी, वो वैकेंसी फिल कर दें, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, 100-150 लोगों को, ठीक है, वो उनको जॉब भी मिल जाएगी और गवर्नमेंट का भी मामला हल हो जाएगा, इंसाफ का हवाला भी सिलसिले से भी वो उनका हो जाएगा, स्पीडी जस्टिस हो जाएगा और वो हेल्पिंग अदला अदालत के माविन साबित होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये कर दिया जाए, इसमें क्या कबाहत है, कौन सी इसमें साइंस है, रॉकेट साइंस है कि जी वो नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल अच्छा, इसमें जी 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 क्या कहेंगे, बस यही था मैं जी। अच्छा फराज अहमद साहब, हम जो देखते हैं जो मीडिया किरदार यहाँ देखते हैं यूके में और एक जो पाकिस्तान में देखते हैं, तो आप इस दोनों किरदारों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मीडिया का किरदार तो बेसिकली एक मैं इफ आई विल टेक सेपरेटली विद द शोबिज एंड विद द टेक्निकल साइड। देखें शोबिज में जो फ्रंट पे होता है वो तो आपने देखा है, जिस तरह बड़े बड़े नाम है कामरान खान और ये, वो उनकी तो ज़िंदगी की लग्जरियस लाइफ है, चीज़ें हैं, उनका तो कोई वो इशू भी नहीं है और जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आई पर्सनली थिंक जो निचले जो टेक्निकल साइड पे होते हैं लोग और चीज़ें, उसमें एक ह्यूज डिफरेंस है बेसिकली। पाकिस्तान में अभी जितना मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं दे आर हार्डली नो अबाउट वॉट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली कैमरा पकड़ना जो है ना और चलाना वो एक एक्सरसाइज हो सकती है पर वो टेक्निकल नॉलेज हाई नहीं हो सकती कि उसको क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या फ्रेमवर्क्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में इन चीज़ों को तो यूज़ कर लेते हैं और इन लोगों को टेक्निकल साइड को बिठा के जी सिखा दिया, उनको सब कर दिया। फॉर एग्जांपल लीजिए जो आपके हिदायत टीवी के अंदर अभी जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने अभी मेरा खुद भी मीडिया से ताल्लुक है, जो आपका अभी इस प्रोग्राम के अंदर भी जो साहब कर रहे हैं वो इज़ ए वेल इक्विप गाय, आई मेट हिम बिफोर इज वेल एंड ही इज़ डूइंग एक्सलेंट जॉब एंड यू नो लाइक। तो अब अगर ये इस टाइप के लोग अगर ये पाकिस्तान में हों तो इन लोगों को वहाँ पर वो जगह नहीं मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली पर्ची सिस्टम, खुशामद और ये इन चापलूसियों वाली चीज़ें बहुत चल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा मीडिया का जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं कि जो एक बंदा मर गया है और उसकी कब्र के ऊपर रिपोर्टर खड़े होकर बता रहा होता है कि जी अब ये मर गया है, इसके ऊपर क्या होगा, इसकी माँ का क्या होगा, और उसके बाद वो कैमरा पैन होता है और उनकी कब्र से उठ के ऊपर, वॉट इज़ दिस, ये कोई एथिक्स है कोई कि आप एक तो बंदा मर गया है उसका, एक उसकी माँ बैठी हुई है उसके सामने आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एक आपको एक पढ़े लिखे और एक सीखने वाले जो सीखे हुए लोग होंगे उनको उनके बाद आना होगा, तो आई थिंक इट विल टेक टाइम और बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर। जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बड़ी अहमियत के हामिल है यहाँ पे, जो है अमूमन यहाँ पे होता ही है कि जो यहाँ पे रहायशी हैं यूके के और यूरोप के, अमेरिका के जो रहायशी होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ होती हैं अक्सर उन पर कब्ज़ा हो जाता है, और जब वो कब्ज़ा हो जाता है तो उसको छुड़वाने में एक इतना लंबा अरसा लग जाता है और फिर पैसे का ज़िया भी बहुत होता है और बड़े हालात वहाँ पे ख़राब होते हैं और लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं और उन प्रॉपर्टीज से भी हाथ धो बैठते हैं कि वहाँ पर जो माफिया है वो कब्ज़ा कर ग्रुप के तरीके से दिखाई देता है। तो आप यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको किस तरह से इस बारे में आगाही देंगे कि हम किस तरह उन चीज़ों से बच सकते हैं? वेल एक तो ये कि इस सिलसिले में बड़ी अहम आपका ये पॉइंट है,
تو ہم مستقبل قریب ہیں, میں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو پاکستانی برٹش سٹیزن ہیں اور ان کے پاکستان میں ڈسپیوٹس ہیں, ایدر وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہوں, فیملی میٹرز ہوں یا دیگر کوئی لٹیگیشن ہو, تو ان کو ہم یہاں, اور جو پاکستان ایزلی ٹرپ نہیں کر سکتے, یہاں بزی ہیں, یہاں بزی اور وہاں کے حالات جو ہیں اس کو, اس سے بھی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا بھی کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں. جوڈیشری کا جو سسٹم ہے ڈیلنگ کا جس پر ہم بات کر رہے ہیں, اس سے بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اب کون جائے. اور ایسے میری نالج میں یہاں بہت سی کیس آئے یو کے میں کہ جن کی پراپرٹیز وہاں ہیں اور قبضہ ہو گئی, انہوں نے کرائے پر دیا تھا یا کچھ کیا تھا, یا خالی پلاٹ تھا یا کچھ تھا یا بنگلو تھا, تو وہ قبضہ ہو گیا ان کا اور وہ اس کے لیے ایک لمبی اس کا وہ سلسلہ پھنس گئے وہ اس میں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نیکسٹ نیئر فیوچر میں یہ ہم اس کا پلان کر رہے ہیں کہ یہاں سے ون ونڈو آپریشن ان کے کیسز پاکستان کی کسی بھی پروونس میں ہوں اور ان کی وہاں ریپرزنٹیشن کریں اور وہاں ان کے جو ہے ان کا ٹائم سیو ہو اور وہاں ہم ان کے لیے کام کریں. ٹھیک, تو یہ ویری سون ہم نیئر فیوچر میں یہ کرنا, کیونکہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ قبضے ہو جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا تھریٹ جو ہے نا جان کی ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں کو, کہ جو یہاں سے جائے گا وہ اس کی واپسی کی کوئی گنجائش دکھائی نہیں ہوتی ہے. وہ تو ویسے ہی اگر کوئی امریکہ سے اور یو کے سے کوئی سامان چلے جائے, بالکل صحیح, تو وہ ویسے ہی خوفزدہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کڈنیپ کا ہوتا ہے کہ جی یہ بہت اس کے پاس پیسہ ہے نیچے, اس کو تو بچے کو خبر کرو یا اس کو خود لوٹو یا اس کو یہ کرو, تو وہ بیچارہ ویسے ہی خوفزدہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں یہاں سے گئے تو وہ وہاں جا کر بڑے اپنے آپ کو اس حال میں رکھتے ہیں کہ وہ شو آف نہ کریں. اب وہ یہاں اپنا وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں, اپنا بزنس چلا رہے ہیں, کچھ بھی جو بھی کچھ ہے, وہ تو وہی جان رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح, لیکن وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی نظر میں یہ کہ وہ بلکہ عمران صاحب, میں تو کامل صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کامل صاحب, یہ سب چیزیں تو سب ایک سائٹ پہ ہیں, آپ پاکستان اوورسیز پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ ووٹ ڈالنے کا تو حق ہے نہیں, وہ وہاں پہ پاکستانی تو کہلاتے نہیں ہیں, کہ آپ اور ہم بھی اگر جب جاتے ہیں تو وہ ہم کو ایز اے غیر ملکی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیریس نان سینئر لیتے ہیں, تو آپ ایز اے لا کے ہوتے ہوئے آپ لوگ پہلے تو ہم کو شناخت تو کروائیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں, ادھر ڈیول نیشنل کو ہم لوگوں کو تو دیا ہوا ہے انہوں نے کہ بھائی آپ اپنی نیشنلٹی بھی رکھیں ہماری بھی رکھیں, تو ہم جب ان کی نیشنلٹی پہ جاتے ہیں تو وہ ہم کو فرنگی سمجھتے ہیں اور یہاں آتے ہیں تو ہم پاکستانی ہوتے ہیں, پاکستانی ہوتے ہیں, تو ہم کہاں گئے, کہاں گئے, اس سسٹم میں جنریٹ کر رہے ہیں یہاں وہاں جو زر مواد دے کی, ایگزیکٹلی, اب دیکھیں ہم لوگ تو بیچ کے ہو کے رہ گئے کہ نہ یہاں کے نہ وہاں, ابھی آپ کو یاد ہوگا اور جتنے لیڈران آتے ہیں وہ صاحب کا جو اس میں جی 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 اور ریکارڈ پر موجود ہیں, تو وہ سب چیزیں ہیں, تو اس کے لیے ہو رہا ہے کام کہ وہ گورنمنٹ سے جو اچھا ایک آخری سوال جو ہے نا میں جناب فراز احمد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے رمضان کی جو ٹرانسمیشنز وہاں پہ کی ہیں اور دیکھی بھی ہیں پاکستان میں, آپ رمضان میں وہاں تھے, تو میں جاننا چاہوں گا, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں جو ٹاک شوز جو 7 بجے کے بعد شروع ہوتے ہیں وہ مین بزنس قرار دیا جاتا ہے کسی بھی ٹی وی چینل کے لیے پاکستان میں, اور اس میں جو ہے ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور ایک حد ایسی آ جاتی ہے گالی گلوچ تک بھی بات پہنچ جاتی ہے اور سیاستدان دست و گرباں بھی اس میں دکھائی دیتے ہیں, تو ہم اس جو وہاں کے صحافی حضرات ہیں یا جو ٹاک شوز کرنے والی شخصیات ہیں ان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ بھائی اس طرح تو نہ کیا جائے؟ دیکھیں ان کو کون دے سکتا ہے, وہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ صحافی حضرات وہ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ایک ستون نہیں ہے, وہ میرے خیال سے تو بہت بڑے بدماش ہیں, مافیا بن گئے, مطلب یہ ادارہ بھی مافیا بن چکا ہے, بالکل بہت بڑی ہیں وہ تو, مطلب ان کو تو آپ ٹچ بھی کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کو, ان کو کون سمجھا سکتا ہے, بٹ مین چیز جو ہے وہ عمران بھائی سیلف آپ کی اپنی ذات ہے, آپ اپنی ذات سے تو دھوکہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا, اپنی آپ ضمیر سے تو دھوکہ نہیں دے سکتے, آپ کا پروگرام کا نام کاوش ہے, کاوش کا مطلب ہے کوشش, آپ کوشش کریں کہ یار آپ نے اس دنیا سے جانا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ریٹنگ ٹی آر پی کے چکروں میں نہ پڑیں برائے مہربانی, کہ آپ نے جب ایک صاحب کو کچھ کر دیا یا فار ایگزامپل آپ نے ان سے ایسی کوئی بات نکال دی تو آپ کا ٹی آر پی بن گئی ہے, آپ انیشلی اپنے ضمیر کی آواز سنیے, یہ کاوش ہے, کوشش کریں کہ آپ
انڈیویجول کتنا اچھا کر سکتے ہیں تو اس سے ہی ہمارا پورا معاشرہ صحیح ہوگا. تو یہی اور یہ پیغام میں نے ان سے لیا. اور دوسرا پیغام ظاہر ہے آپ سے میں چاہوں گا, میں یہ چاہوں گا آپ مجھے بتائیے کہ اب کہ ہمارے جو وکلا برادری میں بھی یہ جو کہ آپ کہہ چکے ہیں کالی بھیڑے موجود ہیں اور وہاں پہ بھی اس طرح کے حالات ہیں کہ ایک مختصرا میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو جو کالی بھیڑے وہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یو کے حوالے سے, یہاں کے جو دیکھنے والے سننے والوں کے حوالے سے وہاں پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے عمران صاحب کہ کالی بھیڑے سے وکلا برادری میں نہیں ہر شعبے سے, ہر شعبے سے یہ بالکل وہ جرنلزم میں بھی ہیں, یہ انہوں نے بھی جرنلزم میں بھی ہیں اور وہ تو انہوں نے بالکل بتایا پولیس اور واٹ ایور جو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. ٹھیک ہے میں پرٹیکولر نہیں آپ نے کہا تھا تو میں نے آپ کو ہیں جی ہیں obviously ہیں آئے دن ہم واقعات دیکھتے رہتے ہیں. اب بھائی وکلا ہیں سے میری درخواست تو اپنی برادری سے یہ ہے کہ ججز کی رسپیکٹ کریں, بالکل پولیس کی رسپیکٹ کریں, یونیفارم میں ہیں, انیسیسری سم ٹائم جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اگر کچھ اس نے کیا ہے کچھ معاملہ ہے تو آپ کے ہاتھ میں تو لا کا آپ قلم ہے نا, آپ کے ہاتھ میں تو آپ ایکشن اس پہ کریں جو بھی بنتا ہے اس پر. سم ٹائم تو سائلین کے ساتھ بھی زیادتی ہو بہت زیادتی ہوتی ہے جی, تو بھائی کلائنٹ یہ ماسٹرز وہ آپ کو پے کر رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہے اس کو. جب ہم میں نے اس کا کیس لیا ہے اٹ از مائی ڈیوٹی کہ میں اس کو سیریسلی سنوں, سنجیدگی سے لوں اور اس کے جو بھی ہے یا بنا لوں جی جی. اور میں بالکل آپ کا بہت شکر گزار ہوں جناب کامل خان صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں خصوصی طور پہ شرکت فرمائی اور تہ دل سے اس لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لندن سے باہر سے ٹریول کر کے ہمارے اس پروگرام میں آپ نے بہت ٹائم دیا ہمیں, آپ کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہے. اور جناب فراز احمد خان آپ کا تو میں بالکل دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور مقصد صرف جاننا اور بتانا یہ تھا اور علی احمد کوس صاحب نے بھی کہا اور ہم بھی اسی جاننا ہی چاہ رہے تھے کہ کیا اس طرح کے حالات صحیح ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے, کن حالات میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور کیا ہوگا. تو ظاہر ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں, میں جتنے بھی لوگ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں کاوش کے اندر تو میں ان کی اس بات کو تو بالکل داد دیتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام ہوپ فل ہیں, امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اس طرح کا نظام آ جائے گا کہ ہم پرسکون وہاں پہ حالات بہتری کی طرف انشاءاللہ تعالی لازمی آئیں گے. لیکن ہر آدمی امید سے پہ تو بالکل قائم ہے لیکن ہمیں اب آپس میں ایک اندر سے بھی ہمیں چینج آنا چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کے اس کی ترقی کے لیے کام دن و رات کام کریں اور جو ہمیں اندر ذاتی حیثیت میں خامی ہیں ان کو دیکھیں, نوٹ کریں کہ ہم میں کیا خامی ہیں اور اسی طرح معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے اور اسی طرح معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اور یہ جو اگست کا مہینہ جس مبارک مہینے کے اندر ہمارے ملک کو آزادی نصیب ہوئی تو ہم چاہتے اخوت اور محبت کا پیغام یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ جو ہے جو رشوت خور لوگ ہیں اگر وہ رشوت لے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز سے اجتناب کریں. اور جو ہے پیغام جو ہے یہی ہے کہ ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو ہے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اسی کے ساتھ ہمیں یاد دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.